छत्तीसगढ़ में दशहरे के दिन दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में साधुओं के वेश में घूम रही 3 लोगों की पिटाई की गई है, जिसमें साधु घायल हो गए हैं। साधु वेशधारियों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक भिलाई थाना क्षेत्र के चरौंद गांव में दशहरे के दिन 3 लोग साधु के वेश में घूम घूम कर भीख मांग रहे थे। इस दौरान अफवाह उड़ी, तीनों लोग साधु के भेष में बच्चा चोरी के इरादे से घूम रहे हैं, जिसके बाद भीड़ ने साधु भेषधारियों की जोरदार पिटाई कर दी। इस मामले में एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि भिलाई में भिक्षा मांग रहे साधुओं की पिटाई का एक मामला सामने आया है। बच्चा चोरी के शक में यह घटना घटी है। साधुओं को सतही चोटें आई है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और उसके बाद में उपचार के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। एसपी पल्लव ने लोगों से अपील की है कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून को अपने हाथों में ना लें। चरौदा क्षेत्र में कल 3 साधु वेशभूषा में व्यक्ति घूम रहे थे, जिनको बच्चा चोरी के रूमर पे ग्रामीणों द्वारा घेरकर मारपीट की गई। पुलिस को सूचना मिलते ही त्वरित रूप से वहां पहुंच के इनको रेस्क्यू किया गया, इनका मुआवजा कराया गया और उसके बाद इनको सामान्य चोट होने पर छोड़ा गया। इनके पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं था। इनसे पूछताछ की जा रही है, इन्होंने खुद को राजस्थान का बताया है। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि बच्चा चोरी के रूमर्स पर तत्काल कार्रवाई ना करें।